सामने है जहाँ पे अनीस खान के कत्ल के बाद इत्तेहाद मुस्लिमीन के ये मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए। इस वक्त मुस्लिमीन मस्जिद है, इत्तेहाद मुस्लिमीन अपने तरीके से चाहती है कि सीएम जो है सीएम सीबीआई की जांच दे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता 19 फरवरी को अनीस खान को उनके ही घर के छत से मार के फेंक दिया गया था और इस इल्जाम जो है पुलिस वालों पे है, चार लोग थे जिनमें से दो लोग पुलिस की वर्दी में थे। आखिर नाम क्यों छुपाया जा रहा है, अब तक क्यों नहीं मुजरिम को पकड़ा जा चुका है, सिर्फ दो को पकड़ा गया है, बाकी दो कहाँ है। इसका मांग ऑल इंडिया से इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी कर रही है। इस वक्त कलकत्ता से मैं मोहम्मद शहीद हुसैन और मदन मिल अदनान हमारे साथ हैं। शुक्रिया। पुलिस दिए 40 मिनट की आरिसन के बिना हत्या को लेकर पुलिस मिल की जवाब दाओ जवाब के लिए जीते हमें महिला को भी छत्ते हमें तो एक बार एक ड्रामा दिखाने के लिए एक बार और लास्ट को ना कर दिए, बेहुर्मती कर रही है सरकार, पूरी तरह से फेल है, नाइंसाफी सरकार में जारी है, जुल्म जारी है, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म जारी है और ममता बनर्जी सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ में पूरी फेल है। वो सिर्फ आरएसएस और मोदी की आइडियोलॉजी पर चलने वाली सरकार है। हम ममता बनर्जी सरकार का कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जनता उनको जवाब देगी इलेक्शन में। एसआईटी जिस अंदाज में जांच कर रही है आप सर, एसआईटी के तो कोई मतलब ही नहीं बनता सर। एसआईटी का ज्ञानवंत सिंह जो है उसके खिलाफ ममता बनर्जी रिजॉर्व केस में बोला था कि ये प्रेशर बना रहा है, उसके खिलाफ बोला और उसको आप बनाते हैं एसआईटी के चेयर, एसआईटी का हेड। तो मजाक कर रही है आप सरकार, सरकार सिर्फ मजाक कर रही है, सरकार खेला कर रही है मुसलमानों के साथ। खेला हमें बोला था ना, ये खेला हो रहा मुसलमानों के साथ। हम संतुष्ट नहीं है, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट करे, टाइम बाउंड जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। अनीस खान का आपकी पार्टी का मेंबर था? बिल्कुल, हमारी पार्टी का मेंबर था, हमारी वीडियोज भी है, आज तक में भी उसने दिखाया है, हर न्यूज चैनल में चल रहा है हमारी पार्टी सब। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर अनीस खान हमारी पार्टी का था और सबसे पहले हम लोग ही गए वहाँ पर, हम तो पहले उनके घर कोई नहीं गया। दीदी बोली हम लोग का आदमी था। दीदी तो सर झूठ बोलने में आगे है, अगर दीदी का आदमी है और टीएमसी का आदमी अगर से टीएमसी राज में अगर हुकूमत में अगर सेफ नहीं है तो सर जनता कहाँ सेफ होगी। उसके फादर ने बोल देना था कि ममता बनर्जी जो है वो झूठ बोल रही है, वो टीएमसी का आदमी नहीं था, अनीस खान के फादर ने बोला। सब सीबीआई की मांग कर रहे हैं सर, तो क्या मांग कर सर? सीबीआई सीआईडी सेम है सर, हम लोग डिमांड करते हैं टाइम बाउंड जुडिशियल इंक्वायरी हो। आपने पार्टी को सर देखो हमारा तो जानी पुलिस आछे ममता हाथे, ममता है पुलिस, पुलिस है ममता, हमारा सब जानी, हमारा आंदोलन करब, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बैसर सुधीर साहब आछेन उन्हीं पार्लियामेंट कथा तुलबेन আপনি যদি ওর সংবিধান মানে ও ইনকোয়ারি করুন তাহলে আপনি কি বলবেন? না বেকসুর আছে ওরকম হচ্ছে, আমরা আন্দোলন পশ্চিম বাংলার গুন্ডা দরকার নেই, পশ্চিম বাঙালে বন্ধ গুন্ডা দরকার আছে পশ্চিম বাংলা, কারণ একজন আন্দোলনকারী অনীশ খান অনীশ ভাই আমাদের পার্টি কর্মী পুলিশ গিয়ে ভয়ে ধাক্কা দিয়ে মেরে দিয়েছে, বলুন তো আমার গুন্ডা দরকার? আমি বলছি না গুন্ডা কাউকে, আমি কাউকে গুন্ডা বলছি না, কিন্তু যে কাণ্ড করেছে যদি আমি কিছু অপরাধ করি কি আমি আমাকে পুলিশ ধরে দিয়ে আমার বাড়িতে তো নিজের জেলে শ্বশুর বাড়িতে নিয়ে যাবে, তো তাহলে কেন ইনসাফ হচ্ছে না? এসআইটি যা বলছে যে দিদি আমাদের দিদি যাকে আমরা ভোট দিয়ে, দিদি তো মারাঠি ভোট নিবে রমজান মাসে মাথায়
उसके बाद हिजाब का जब मामला कर्नाटक में आएगा तो दीदी कुछ नहीं बोलेगी। और मेरा मासूम मुसलमान खेला होबे पे दीदी नारा लगाई थी, खेला होबे। अरे मेरे बेचारे गरीब मासूम मुसलमान, मेरे जो मासूम में इतने हैं कि बेतहाशा गुलामी में लगे हैं दीदी की, खेला होबे दीदी नारा तो दिए थे किंतु कत मने रखबें एखन तो आमार मने हच्छे आपनादेरो मने होबे खेला होयेछे आमादेर संगे। दीदी बोलछे मुसलमान फुटबल आमि खेलबो, आरिस खान दे खेलछे एखन एकटा आंसारी बसछिलो आमादेर आतंक धरे ओनाके पुलिशके छड़ी मेरेछे। बोलुन तो आमादेर जे आमरा राजपथ आमरा जे पथे नेमेछि आजके पार्टी बैनार निये केन आमरा केन आसबो, आमरा भोट देब दीदीके कानून के दस्तूर को तोड़ेंगे नहीं हम, कानून के दस्तूर को तोड़ेंगे नहीं हम, छेड़ोगे हम को तो छोड़ेंगे नहीं हम। आगामी कल जो दिन आसून आसार दस बारो दस बचर पंद्रह पर एक कथा मन पड़े बामफ्रंट बोले एक कूकुर के जो मिसे गोरा प्रस्ताव दिए दी ना तो जीते जाए अवस्था कूकुर मतन हो जाए पश्चिम बंगाले तो कत भारत बच्चा सब सुनबे पश्चिम बंगाले क्षमत आसब जो क्यों बोले आसब ना मिथ्य कथा एक समय जुग आसबे सबाई के मन रेखे सवार ऐले के मिथ्य मान्य खबर हो बचर आगे हमारे केस दिए सबा जानी एमी के बोलि जेखने एस आज आसनी सबाई के भय खाव दरकार नहीं निजे हाथ आईन को निब ना किन्तु हाथ जब क्यों दे छाड़ब ना क्यों दे मिशन तो आगे जाए आगे जाबा अनुरोध कर आगे आसन आप सब आसन
चिकर अली खान अमीर चिकर आदि में मिलत अली खान बांग्ला चीन अली खान अमीर चिकर अली खान अस्सलाम 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 शहीद अली खान अस्सलाम 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 शहीद अली खान आदि में मिलत अली खान अस्सलाम 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 शहीद अली खान अस्सलाम अस्सलाम शहीद अली खान मानुष के गुमरा कर चक्रांत चलते मानुष के मिसलीड कर चक्रांत चलते প্রথম মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন এর টিম ওখানে গিয়ে পৌঁছায় সকাল ভোর একটার সময় আনিসকে শহীদ করা হয়। আমরা দুপুর ১২টার সময় ওখানে পৌঁছালাম, যখন কেউ পৌঁছাতে পারেনি। আসাদুদ্দিন ওয়াইসি সাহেবের নির্দেশে আমরা ওখানে পৌঁছালাম। ওনার এফআইআর কপি ওনার ভাগ্নির থেকে আমরা নিয়েছি, যেটা আসাদ সাহেবকে পাঠানো হয়েছে। কেন সংসদের ভিতরে আর বাইরে মি মেটার আন্দোলন চালাবে? আপনারা সিআইডি এবং সিবিআইয়ের ভরসা করছেন না কেন? অবশ্য ভরসা কেন, কেন আমরা সিবিআইয়ের অনেক তদন্ত দেখেছি, রিজওয়ানের কিছু হলো না, আকাশ কালাঙ্কারিতে সিবিআই তদন্ত হলো, কিছু হলো না। সিবিআই তদন্ত করে ওরা কি করবে? তৃণমূল আর বিজেপি যোগ সাংঘর্ষ করবে, এসব চক্রান্ত। তৃণমূল বিজেপি একটাই একটাই টাকার দুটো পিক, দুটোর উপরেই আমাদের ভরসা নেই। রাজনৈতিক ভাবে আনিসের মামলা, এখন মি মেটা রাজনৈতিক লড়াই লড়বে। আমরা আমাদের মিছিল নিয়ে যাব, গান্ধীজির সামনেও ব্রিটিশ ফোর্স দাঁড়িয়ে থাকতো আমরা দেখেছি। আমরা আমরা পুলিশকে সম্মান করি, আমরা আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিল চালাবো, পুলিশকে যেটা করার পুলিশ করবে। আমি সাবির গাফার, সর্বভারতীয় মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন পশ্চিমবঙ্গ। সাবির গাফার সাহেব, সবসে পহলি বাত তো ইয়ে হ্যায় কি ক্যা ইয়ে মুসলমানো কো ইস তরহ সে কত্ল করকে মুসলমানো কো ডরানে কি কোশিশ কি জা রহি হ্যায়, ক্যা 1972 কি কালচার কো ওয়াপস লানে কি কোশিশ কি জা রহি হ্যায়। দেখিয়ে ইয়ে মগরিবি বঙ্গাল নে রিজওয়ান কা শাহাদত দেখা, ইসি মগরিবি বঙ্গাল নে শিকবতুল্লাহ কা শাহাদত দেখা, আসানসোল কে ইমাম সাহেব কা, আজ ইসি মগরিবি বঙ্গাল আনিস কা শাহাদত দেখ রহা হ্যায়। হামেশা মাইনরিটি ইয়ুথ কো টার্গেট কিয়া জা রহা হ্যায় অর মাইনরিটি ইয়ুথ কা সাথ কোই ইনসাফ নেই হো রহা হ্যায়। ইয়ে সরকার জো হ্যায় ইয়ে জমহুরিয়ত কে খিলাফ হ্যায়, ইয়ে 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 মাইনরিটি কমিউনিটি কে লিয়ে কুছ কাম নেহি করেগা। অর মাইনরিটি কমিউনিটি মে আগর কোই লড়কা, আগর কোই নওজওয়ান লড়কা সরকার কে খিলাফ আওয়াজ বুলন্দ করেগা তো উসকো মার দিয়া জায়েগা। ইয়েহি সরকার কা নিয়ত হ্যায়, ইয়ে সরকার কা নিয়ত মে খাক হ্যায়। ইয়ে সরকার সিফ ডরা কে বিজেপি কা বিজেপি কো ডরা কে মুসলমানো কা ভোট চাহতা হ্যায়, মুসলমানো কে লিয়ে কুছ কাম নেহি করনা চাহতা, মুসলমানো কা কোই ইনসাফ কা কাম নেহি করতা। ইয়ে সরকার মাইনরিটি বিরোধী সরকার হ্যায়। স্টেট গভর্নমেন্ট সে আপ কিয়া মুতালবা করনা চাহতে হ্যায়? আনিস খান কা কেস জুডিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন পে জায়ে, আনিস খান কা কেস টাইম বাউন্ড জুডিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন মে জায়ে। সিবিআই অর সিআইডি দোনো পে হাম লোগ কা ভরোসা নেই, তৃণমূল অর বিজেপি এক হি রুপিয়া কা দো তরফা है। जिस रिजवान को लेके ममता बनर्जी तब वो विरोधी नेत्री थी, इसी रिजवान का केस को लेके आज वो ऑपोजिट सीएम बन गई, लेकिन रिजवान की अम्मी उनको खुद बोलना पड़ रहा है कि आज भी हम इंसाफ के लिए रुके हुए हैं, आज भी हमको इंसाफ नहीं मिला। आज वजीर आला हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने की ख्वाब देख रही है, लेकिन रिजवान को इंसाफ नहीं मिला। जिसको समझना है समझ जाए कि मुसलमानों का सिर्फ खून से ये लोग वोट का खेला खेलना जानते हैं, मुसलमानों को उसका संवैधानिक इंसाफ देना इन लोग नहीं जानते। মুসলমানরা বলেছিল আমরা এই দেশে জন্মেছি, এই দেশ আমাদের মাতৃভূমি।
সভাপতি এই দেশের হিন্দু মুসলমান আমরা মিলেমিশে আছি, আমাদের মধ্যে বিবাদ চলবে, আমার মহামদের নেতা নয়, এটা আমি বরদাস্ত করব না। তোরা পানি তো তারপরে ভাই তো তারপরে কি করছেন? তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে আনিস খানের একটা বিষয়, আনিস খানের মতো যেই রাহার না হয় তো সেই সময় মুসলমানরা এক টাকা দু টাকা করে ছাড়া দিলে আসসালাম শহীদ আনিস খান।